एंड भाई हियर वी गॉट आवर केक। लेट जा तो बैठेगा, फील तो तभी आएगी जब ट्रेन में कुछ खाए। एक की थी भाई, छाते छुतरा गिर दी। ओके हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो भाई अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बजने वाले हैं और आज है सन सैटरडे। हफ्ते में एक दिन तो मिलता है, वो दिन मैं पूरा सो के वेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं सो रहा हूँ। और मुझे उठ के अभी पैकिंग भी करनी है क्योंकि आज शाम को हम कहीं निकल रहे हैं। तो I meet you once I wake up. Okay? Bye. Till then, miss me. Bye. तो भाई अभी टाइम हो रहा है शाम के 1:30 बज रहे हैं, शाम ही कहते हैं ना, अब PM तो हो ही गया, शाम के 1:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ जो थोड़ी बहुत दवाइयाँ लानी है उसके लिए, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ठीक 100 दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। और इस बार हम 3-4 लोग नहीं जा रहे, हम पूरी फैमिली जा रहे हैं, मतलब हमारी फैमिली और मेरे मासी वगैरह, वही मेरा कज़न प्रांजल, हम सब जा रहे हैं एक साथ। तो इट्स गोना बी फन। हम बहुत पहले सारे एक साथ गए थे, अब उसके बाद हम अब जा रहे हैं, मतलब 3-4 साल पहले जब हम एक बार हम अमरनाथ भी एक साथ गए थे हम सारे, अब हम फिर एक साथ जा रहे हैं और मज़ा आने वाला है क्योंकि कज़न्स के साथ। और पहले बता दो, हम ट्रेन में जा रहे हैं, तो कज़न्स के साथ ट्रेन में और पूरी फैमिली एक साथ इज इक्वल टू मज़े। अभी भी हम थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा कर रहे हैं अपनी ट्रैवलिंग के लिए। वैसे भी हमारी जो ट्रेन है वो लेट है, मैंने अभी जस्ट वेबसाइट पे चेक करी थी, वो दिखा रही है रात को 12:02 पे। अगर देखा जाए तो वो दिन होता है, बट इतनी रात को ट्रेन है और बस क्या कर सकते हैं, है तो है। अब सामान रख रहा हूँ मैं गाड़ी में। वैसे भी हमारी ट्रेन थोड़ी सी डिले में है, एंड मैं बताऊंगा नहीं, हम अभी भी नहीं बताऊंगा कि हम जा कहाँ रहे हैं, वो मैं शायद से इस व्लॉग के एंड तक बता दूं, तो कीप वॉचिंग। तो भाई सब लोग तैयार हो गए, दिस इज माय OOTN, ट्रैक सूट डाल लिया क्योंकि कंफर्टेबल रहना है पूरा रास्ता, रात में ही निकल जाएगा, एक तो ट्रेन भी हमारी इतनी लेट है ना, कोई देखो टाइम क्या हुआ। और हमारी ट्रेन है 12:30 ऐसी कुछ ट्रेन है, इसलिए मैंने ये डाला, फिर ट्रेन में जाके बस सोना ही है, पर कजन से तो सोए क्या ही। चलो ठीक है, फटाफट निकलते हैं, एक दो रास्ते में काम भी है, सामान भी लेना है, वो बताऊंगा क्यों लेना है, फिर मिलते हैं। गाइस कोई इंटरेस्टेड नहीं है तेरे शूज में देखने में, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। हो गया, मेरी ऑडियंस ये सब चीजें देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। कोई बात नहीं, तुम क्यों मुसलमान बन के घूम रही हो? ओ, ऐसे ना वो आते हैं ना, ऑयल की स्मेल आती है ना, डीजल की डीजल की स्मेल आती है ना, तो वोमिटिंग आना मन कर जाता है। That's why. You are not a car girl, we are a car girl. ये खुशबू है, खुशबू, ओके? ऐसे भी पेट्रोल की खुशबू अच्छी लगती है मेरे को, पेट्रोल से मुझे कोई वो नहीं होता, पर डीजल की जो है ना गंदी सी बदबू ना, तो मेरे को ना उल्टी आ जाती है, और अभी ऐसा ही मन हो रहा है। तो जाओ बाहर चलो, गाड़ी में मत बैठ जाना, इनको गाड़ी में नहीं बिठाऊंगा मैं, पैदल लेके जाओ, पैदल चलो पैदल। Let's go guys, let the trip begin. एंड भाई हेयर वी गॉट आर केक। मैं जिस केक की बात कर रहा था ना कि हमने जाते हैं अभी केक भी लेना रास्ते में से, ये वही केक है। और ये है क्यों, जब ये खुलेगा तभी बताऊंगा, ठीक है? तो भाई बात करते करते हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। रेलवे स्टेशन भाई, मतलब मैं तो 4 महीने बाद ही रेलवे स्टेशन आया, पहले भी आया था ना वैष्णो, जब मैं वैष्णो देवी गया था तब मैं आया था। मैं तो बहुत टाइम बाद आ रही हूँ रेलवे स्टेशन पे, पता नहीं
जब मैं बहुत छोटी सी थी ना तब आई थी। है तो अभी भी छोटी। तो भाई ये अपना सारा लगेज, ये देखो कुकुली अपना। तो मैं बता देता हूँ ये ट्रिप होने वाला है 3 डेज का। जैसे आज है 14 की रात को जाएंगे, 15 16 की रात की हमारी रिटर्न है, 16 की रात की रिटर्न है, तो 17 को तो यही होएगी ना, ऑब्वियस सी बात है क्या। और ये रास्ता होने वाला ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स का, ज़्यादा भी हो सकता है। एक मिनट पकड़ियो, मैं अपनी टोपी पहनूं, ठंड लगी भाई ठंड। बट ये स्टिल एक सस्पेंस है, हम जा कहाँ रहे हैं? मम्मी आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं मुझे कुछ नहीं पता। आपको पता है बेटा, बताना मत तेरे से नहीं पूछ। भाई यहाँ पे जो पार्किंग वाले ना, अब ये लूट रहे हैं, सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि अभी इन्होंने बोर्ड पे लिखा हुआ है 24 आवर्स के लिए, इन्होंने लिखा हुआ है 25 रुपीज। मैं उन पे गया, पूछा मैंने कहा उस पर तो बोर्ड पे लिखा हुआ है 25 रुपीज फॉर द 24 आवर्स। उसमें उन्होंने मुझे पता क्या बोला, उन्होंने बोला अगर आप दो दिन के लिए खड़ी कर दो तो आपको 25 लगेगी, अगर आप 3-4 दिन के लिए खड़ी करोगे तो 50 रुपये। ये कहाँ का लॉजिक बनता है भाई, मुझे बताओ पहले तो। बल्कि जो आपके पास ज़्यादा देर के लिए या ज़्यादा टाइम के लिए खड़ी कर रहा है, आप उनके लिए कम दो, और बल्कि जो कम देर के लिए खड़े रहते हैं उनके लिए ज़्यादा दे लो। बट ये कोई सेंस बनता नहीं है ये जो आप कर रहे हो, तो सब ध्यान रखना। भाई घर से तो प्लेटफॉर्म नंबर देखा था, प्लेटफॉर्म नंबर था 1 यहाँ के, एकदम चेक करा। अभी मैं आराम से टाइम लैप्स वगैरह ले रहा था, तो अभी मैंने कहा जस्ट चेक कर लेते हैं। मैंने रिफ्रेश करके वेबसाइट पे चेक करा तो उधर दिखा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 7, और इधर एंड से 7 तक भागते आया क्योंकि बस ट्रेन आने वाली है ऑलमोस्ट। इतने सामान के साथ भागना, और ऊपर से मम्मी वॉशरूम गए हुए थे, सारा सामान मैंने ही उठाया। ओह मेरा हाथ अभी से दर्द हो गया। हाँ सर जी नमस्ते, चलो चढ़ते अंदर। गिर जा तो बैठेगा। ओह स्लो चली स्लो चली। मेरे नर्सरी टू यू हमारे घर बहुत जल्दी आए, अगली बार आपका नंबर लगे। फील तो तभी आएगी जब ट्रेन में कुछ खाएगा। तेरे को उतारना पड़ेगा, आ जा तू पहले आ जा। अरे आ ना जल्दी, ये देख वो देख के भाई छत छुतरा गिर दी। यहाँ पे पूरा केक की ऐसी तैसी फेर रखी है। हैप्पी बर्थडे टू टू। भाई जूम करके बता भाई क्या पोज है आपके, मतलब मजा ही आ गया आपको देख के तो। आहा, 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 आहा।
भैया जी क्या तेवर है आपके तो जेन्युइन। हाँ फ्लेक्स कर लो, फ्लेक्स कर लो, कर लो कर लो, फ्लेक्स कर लो। भैया तो भाई अभी ना सारे सो गए और अभी ना हमारा एक इस सीट के सामने वाली सीट से ना पंगा भी हो गया था। क्या था, हम खाना खुना खा रहे थे, थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी। अरे हाँ ये ठीक है, बंद बंद कर, ज्यादा जोर से लग गया आग में। तो भाई अभी ना साथ वाले से पंगा भी हो गया था। क्या हुआ था, हम ना खाना खुना खा रहे थे, थोड़ी बहुत आवाज आई होगी, वहाँ किसी जगह चढ़ गया हमने, तब दबने वाले में तो हमें से कोई नहीं है, हम उस पर चढ़ गए। तो बस अब सारे ना सोने लगे और अभी हमारा प्लान बना शायद से हम डोमिनोज एड उड देख के आए होगी कोई, जिसके अंदर वो ट्रेन में डोमिनोज वगैरह वो आ जाता है। तो अभी इनकी प्लान चल रही है लुधियाना पहुँच के, तो थोड़ी देर में बोलने वाले लुधियाना, तो वहाँ जाके डोमिनोज मंगा लेंगे। अगर उन्होंने मंगा लिया तो व्लॉग कर लेंगे, अगर नहीं हुआ ना तो भाई अभी हो गया रात, मिलेंगे कल सुबह। ठीक है चल भाई। The next day मैं नहीं जा सकता। क्यों, ट्राई तो कर, बहुत ज्यादा है ना गैस। अबे जाना क्या, बहुत ज्यादा तेरे कुछ नहीं होता, तेरे को तो आज बोल दिया थी कहां से लाऊंगा तेरे कितने बजे से, चल चले जा रे भाभी, जाएंगे कैसे करेगी तू, जा आरती बैठो तेरे किस्मत ना। गुड मॉर्निंग गाइस, तो ऑलमोस्ट बस पहुंचने वाला है, थोड़ा टाइम और। अरे मेरा पैर दर्द हो गया क्या, यहाँ तो आगे उसके वहां जा रहा है और ऊपर से जा रही ना, डर रहा है कह रहा मैं तो नीचे से ही जाऊंगा। अबे कितना क्या डर रहा है, चल जा मास्टर जी देख देख रहे हो अभी क्लिप, कह रहा है ये मैं डरता, जिसको डराना जरा एक बार, एक बार इसे एग्जांपल देना क्या डर को क्या होता है, मौत को चुके टक से वापस वाला दिला रही से एहसास, मजा आ जाएगा। अभी बस फ्रेशन अप हो गई मिलता है, ठीक है अभी मत कर, रंग मत करियो नहीं होता। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं ट्रेन में। हेलो कर 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 दिया रे, नहीं करना कर दिया, अरे वो कर दो अब। यू अब ये हो रहा है सन की, आ भाई साइड में अपने बैग साउंड कर दो, सन की साइड में सन किस मैं बनाऊ तुम बना रहा है। तो भाई फाइनली अब डिस्क्लोज कर ही देते हैं, हम फाइनली आए कहाँ हैं, तो पहाड़ देख के तो मोस्ट ऑफली सबको पता चल ही होगा। यस दिस इज अगेन वैष्णो देवी आफ्टर 4 मंथ्स, चले भाई रह जाएंगे हम, मतलब पहले 4 महीने पहले आया था मैं हरूर भैया के साथ, अब मेरा बनान पड़ा पूरी फैमिली के साथ, बस क्या करें आते रहते हम। क्या करे अपने चलता रहता एक ये इससे दुखी है, एक ये इससे दुखी है, एक हम जहाँ जाते हैं हमारी पता नहीं लड़ाई क्यों है भाई, नहीं भाई कुछ कुछ नहीं ऑर्डर करना कोई, अरे रुक के जाना टैक्सी नहीं चाहिए यार, ऐसे चीज के पक्ष है जैसे गर्ल्स के इंस्टाग्राम डीएम में लड़के नहीं आते भाई, गाइस लव मी ऐसे चिपक रहे भाई, टैक्सी टैक्सी भाई जे ना बोला अंदर ही घुस जाएंगे भाई। मैं तुम्हें बताऊँ फैमिली ट्रिप और दोस्तों की ट्रिप में एक ही डिफरेंस होती है, दोस्तों की ट्रिप में ऐसे आप कूल ही नहीं बनते हो और फैमिली ट्रिप में बनना पड़ता है, देखना ये देना बेचारे को खींच खींच के थक गया ये, अब खींच की नहीं यार टैची ऐसी है क्या करूँगा, ठहरी गिरी टैची है, चारों पहिए सही हैं पर सीधी नहीं चल रही लंगड़ी लूली लंगड़ी लूली लंगड़ी लूली है ये, क्या करे बस शौक है अगली का धीरे चलने का टेढ़ा चलने का, है ना भाई। तो ये बस ब्लॉग
होटल जाके खत्म करते, अभी नहीं खत्म करते। वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अटैची भी लाइक लोग टेढ़े, तो मैं भी टेढ़े होके देखती हूँ। बंदा ही टेढ़ा है जो मेरे को चला रहा है, तो मैं भी टेढ़े हूँ। ये व्लॉग को होटल जाके खत्म करेंगे, ठीक है? तब तक मैं इतना भारी बैग संभाल लूँ, मेरे कंधों में इतना बोझ है, पहले मैं उसको रिलीज करूँगा, उतार दूँगा, उसके बाद ये व्लॉग का एंड करूँगा, ठीक है? भाई रश भी बहुत ज़्यादा यार इस बार तो, हाय हाय रश भाई, पिछले कंपेरेटिवली इस बार बहुत ज़्यादा। हम इस बार रुक सेम वही डोरमेट्री में रहे हैं, पिछली बार हम रुके जिसमें हमने सामान वगैरह रखा था, इस बार हम थोड़ी देर रुकेंगे भी, खाना खुना खाएंगे, तैयार होएंगे, डन निकलेंगे चढ़ाई के लिए। यस ब्रो, जय माता दी। तो भाई नहा धो के चुके रेडी, इस व्लॉग को बस यही ख़त्म करते हैं, ये बस यहीं तक का था, आगे की जर्नी नेक्स्ट पार्ट में, तो अगला पार्ट जरूर देखना और मुझे कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है जर्नी जो पहले हमने करी थी 4 महीने पहले, देन अब हम फिर अगेन सेम बट थोड़ा दिन ज़्यादा है, तो आई होप आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर बहुत सब्सक्राइब करना, सीधे देन बाय बाय।